देखुंट क्षीरचोरा गोपीनाथ ठाकुर ये हूँ प्रसिद्ध भोग क्षीरी भोग सब बड़े भक्तर मन कथा जाणी था श्री गोपीनाथ कारण सी हूँ भक्तर पर से भगवान आ भगवान भक्त सब बड़े भक्त आ भगवान भितर रही अनेक भक्रिया संपर्क से प्रसिद्ध क्षीरी भोग आप देखिए साक्षी गोपीनाथ मंदिर साक्षी गोपाल देखिए गोटे भिन्न रूप ये मदन मोहन निजे गोपीनाथ अच्छा मंदिर भितर क्षीरचोरा गोपीनाथ रेमुणा ब्लक बालेश्वर आप जी आसुवे प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर 700 वर्ष तलर मंदिर आप दर्शन कर अत्यंत आनंद प्राप्ति हो सब बड़ कथा होगी ना क्षीरचोरा यही जे आमर जो अच्छा साधु से हूँ माधवेन्द्र पुरी जी थे साधु बाबा से तो पुरी जावा बाटर क्रांत लगी शुई पड़े एवं प्रबल भोग होता जेहेतु सी हूँ गोपाल सी हूँ गोविंद सी जेहेतु गोपाल वंश से जन्म देते तेणु तरह अमृत क्षीर बहुत प्रसिद्ध बहुत भल पाते तेणु से ही भोग टिकट पाइबापी माधवेन्द्र दास काकुति महादी करते पंडांग मिल ना से भोगे शुई जा भक्तर भगवान तागर गोटे छोट हांडी से लुगा तले लुचे रखी आनी देते ये अमृत भाण को आप देखुं ये से भक्त विदित जे से ठाकुर भोग किभली भाव समस्ते खाई समस्ते पाईपर से भोगर समस्त भाग्य केमी मिल भक्त दधि हाण ये जो देखुं आप अमृत भाण जे कि क्षीरचोरा गोपीनाथ क्षीर भोग सब प्रसिद्ध जो भक्त मैंने आसार ढंग यार काठ चूली में कितु गोटे विशेषत्व अच्छी योग ये जमी तार स्वाद आउ कौट हेबना जिते घरे बनले भी बाहर बनले भी जेकोसी मंदिर बना क्षीरचोरा गोपीनाथ तार जो स्वाद तार जो स्थिति आपठ तेणु से क्षीरचोरा ना गोपीनाथ रही जो क्षीर चोरे नदी भाण्डर देते तेणु माधवेन्द्र पुरी को देते से भक्त से भगवान मंदिर आम आसी निश्चित भाव में बहुत सान्निध्य पाइल ठाकुर कृपा था आ सब बड़ कथा हूँ प्रभु मल सहित ये क्षीरी भोग निजी पुण्य मन करु ये मंदिर 700 वर्ष तलर मंदिर आउ सब बड़ कथा हूँ जो आप जानुंट कोणार्क मंदिर लांगुड़ा नरसिंहपुर देव निर्माण करते अनपत्य कृति हूँ क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर ये लांगुड़ा नरसिंह देव ये मंदिर निर्माण करते आ सब बड़ कथा ये हूँ ये एक ओडिशार वृंदावन कहे अतुक्ति हेनी तेणु जेहेतु ये गोविंद अच्छा मदन मोहन अच्छा ये ओडिशार वृंदावन नाम नामित क्षीरचोरा गोपीनाथ ये उक्त उक्त वृंदावन भाव परिचित सारा सारा विश्व मैंने आसतु क्षीरचोरा गोपीनाथ बुलाव ऐतिहासिक मंदिर 700 वर्ष तलर एवं प्रभु को दर्शन करूँ ये मदन मोहन गोविंद जय श्री
लाइक करूँ तो सब्सक्राइब करूँ तो एवं बेल आइकॉन को दबाना।